हाँ जी, क्या बना रही हो? आज हमारे घर में बन रहे हैं छोले। छोले? यस। कौन से वाले? हल्के ग्रेवी वाले। हल्के ग्रेवी, व्हाइट या ब्लैक वाले? व्हाइट वाले छोले। ओके, चना मसाला? यस। ओके, अभी ये क्या हो रहा है? ये प्याज कट रहे हैं। प्याज कट रहा है, ओके। और इसके बाद? अभी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो रही है धीरे धीरे। ये देखो, और अब हम डालेंगे इसमें तेल। इतने तेल गर्म होगा, हमारे प्याज कट के तैयार हो जाएंगे। ये कढ़ाई देखो आपकी गर्म हो रही है। यस। ओके, अब ये क्या? ये है तेल और ये है येलो बेसन तेल। ओके, मस्टर्ड ऑयल। यस। और तेल हमेशा खाने में कम डालें। ओके ओके, ये ज्यादा हो गया तेल? नहीं, ज्यादा नहीं है। ओके, अब इसके बाद? इसके बाद अभी तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होने दो। इतने हमारे प्याज कट के तैयार हो जाएंगे। कुकर में क्या है? कुकर में छोले उबल रहे हैं। ओके, उसके साथ हमने थोड़ा डार्क करने के लिए दो आलू भी डाले हैं। ओके ओके, यस। और छोले उबालने के लिए उसमें हमने थोड़ा नमक भी डाला है। तो आपने ये छोले पहले उबाले हैं? यस, उबल रहे हैं छोले। इतने मसाला तैयार हुआ, इतने छोले उबल रहे हैं। ओके, यस। तो इसके साथ और क्या बनेगा? इसके साथ थोड़े चावल बनेंगे, रोटी बनेगी। ओके, आज की रेसिपी है चना मसाला, रोटी और चावल। आज डिनर में ये मिलेगा हमें? बिल्कुल। ओके ओके, अब ये क्या निकाला आपने? लहसुन। ओके, थोड़ा सा कूट दिया है। ये हम काट के भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, काट के डाल सकते हैं। ओके, इसमें पहले हमने ऐड किया है जीरा। जीरा, ओके। फिर डाला है इसमें हींग। ये हींग, ओके। हींग डल गया आपका ये। अब जा रहा है इसमें कढ़ाई में लहसुन। लहसुन को हल्का ब्राउन होने दो। ओके, तैयार हो गए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है ये। जीरे की खुशबू आ रही है देखो। और ये रेड सा होने लग गया है। ठीक, और इसमें हींग था ना ये? यस, हींग पकने के लिए डाल दिया ताकि अच्छे से पक जाए। ओके, हींग हाजमे के लिए भी ठीक होता है। वो गैस भी नहीं बनाता, कब्ज नहीं होता पेट में, कई चीजों से हमें दूर रखता है। ओके, इसमें डाल दीजिए प्याज। अब ये इसमें आ गया प्याज। इसे चलाना भी है? मैं चलाऊं? बिल्कुल। ओके, अब ये देखो हम इसे प्याज को चला रहे हैं। ओके, इसमें तेल कम तो नहीं है? नहीं, तेल पूरा है। तेल पूरा है? ये जितने ब्राउन होंगे अपने आप बुझते चले जाएंगे प्याज। ओके ओके, बस ऑयल हमेशा कम ही खाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। अब इसे हम भूनने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। अभी गैस भी थोड़ा तेज कर दिया है जिससे कि जल्दी ब्राउन हो जाए। ओके, अब जी सारे प्याज इसमें डल गए? ये थोड़े देर में जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। ओके,
अब क्या डलेगा इसमें? इसमें अब डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। ओके, तो इसे कितनी देर तक ऐसा करना होगा? जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। ओके, इसमें पानी वगैरह कुछ डालना है? अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, अच्छा आपने टमाटर भी काट के रखा हुआ है, मिर्च भी कटी हुई है आपकी। ओके, और अब क्या ढूंढ रही हो उसमें? अब मैं छोले का मसाला ढूंढ रही हूँ। ओके, मेरे को लगता है छोले का मसाला है नहीं आपका, देखो कॉर्नर में होगा, उसमें कॉर्नर में होगा। मैं चला रहा हूँ कढ़ाई में, छोले की, हाँ चने की खुशबू आ रही है। ये कितनी सीटी में हो जाएगा बॉयल? अभी तक तो इसमें 4-5 सीटी लग चुके हैं, अभी एक सीटी और लगेगी और मैं बंद कर दूंगी इसको। ओके ठीक है, मसाला तैयार, हमारा छोले तैयार हो जाएंगे और उसमें डालेंगे फिर हम ग्रीन वाला धनिया। धनिया से खुशबू आती है और उसे देखने में भी वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, कहते हैं जो चीजें आंखों पर, बिल्कुल मैं से चने की खुशबू आने लग गई है कुकर से जो स्टीम आ रही है उसमें। अब ये देखते हैं, हाँ ये ब्राउन शाफ होने लगा है। अब आपने कर दिया कुकर बंद। अब ये प्याज हो गए ब्राउन। आप इसे पकने देती थोड़ी देर इसी में? नहीं, छोले उबल रहे हैं, अभी आपको दिखाई जाएंगे कि छोले किस तरीके से उबल रहे हैं। ओके, और आपका ये देखो हुआ होने वाला है वो भी। ओके, और यह ब्राउन, बस इसमें टमाटर और मिर्ची, हरी मिर्ची ऐड की जाएगी। ओके, जब तक आपका मसाला भून रहा है तब तक ये स्टीम इसकी बाहर आ जाएगी। निकल गई पूरी स्टीम इसकी। अब ये देखिए हमारे छोले इस तरीके से उबल रहे हैं कि वो बीच बीच में से फट भी चुके हैं। वाओ, और आप हमेशा छोले उबालें तो इसी तरीके से उबालें। ओके, उनको थोड़ा ज्यादा स्टीम करो ताकि वो अच्छे से गल जाएं और वो ना कच्चे कच्चे ना रहें। ओके, जब वो स्टीम अच्छे से होंगे ना तो आपको खाने में भी बहुत टेस्ट आएगा और उसका मसाला बनाओ फिर आप जबरदस्त बनाओ। और आप ये देखो प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं। और इसमें हमें गलने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। ओके, अब इसमें ये
आपका ये है लाल मिर्ची पाउडर है और एक चम्मच धनिया है इसमें, थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया है और थोड़ा सा गरम मसाला। अब थोड़ी सर्दी हो रही है तो आप गरम मसाला भी यूज़ करें। और ये देखिए इसमें एक चम्मच छोले का मसाला भी डाला जाएगा, उसमें उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। एक चम्मच बिल्कुल। और इसी में ही थोड़ा हम नमक भी ऐड करेंगे क्योंकि छोले में हम नमक डाल चुके हैं। ये थोड़ा टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए हम एक चम्मच नमक भी डाल दिया है। ठीक है, ओके। अभी मसाला जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तो ये छोले के अंदर डाल दिया जाएगा। अब फिर हमारे छोले इस तरीके से तैयार हो जाएंगे और उसमें फिर डाला जाएगा हरा धनिया और फिर हमारा खाना बनके तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं मसाला पूरा ग्रेवी इसका बन चुका है, इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है। और ये कितनी देर तक और पकेगा? ये मसाले को बहुत ज्यादा अच्छे से पकाना है हमने। ओके। अगर आप कच्चा मसाला छोड़ देंगे तो उसे खाने में टेस्ट नहीं आएगा। जब तक अच्छे से मसाला तेल ना छोड़ने लगे, हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेगा वो और एकदम ब्राउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब तक आप खूब अच्छे से मसाले को भूनें। और देखिए हमारे मसाले की तरफ भी देखो एक बार, देखो कितना ब्राउन हो रहा है। धीरे धीरे भुनना स्टार्ट हो गया बहुत अच्छे से, कलर आ गया मसाले का पूरा प्रॉपर। देखो कितना कितना देखने से ही आंखों को इतना बढ़िया लग रहा है तो खाने में कितना लजीज लगेगा। हाँ, खुशबू आ रही है वैसे। और कुछ इसमें डालना है अभी? नहीं, मसाला बन गया है अच्छे से और इसमें कोई भी चीज़ें आपको मोटी नहीं दिखाई दे रही होंगी, सब इतने अच्छे से मैश हो गया है। और देखो हमारा मसाला भी पूरा ब्राउन हो चुका है और धीरे धीरे तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ये इतना तैयार हो गया है कि हम इसको छोले के अंदर मिक्स करेंगे। मैंने छोले अलग उबाले हैं और मसाला अलग से बनाया है। अब उसमें इस तरीके से दाल की तरह हम तड़का लगाएंगे। आप भी मेरी तरह एक बार छोले बना के देखना, अलग से मसाला बनाओ और स्टीम भी अलग से करो, फिर देखना कितना टेस्ट आता है। और मसाला डालने के बाद आप 2 मिनट तक छोले को गैस के ऊपर रखो और फिर देखना। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है क्योंकि ये तेल बहुत अच्छे से छोड़ रहा है। देखो सभी देखो, और ये मसाला जा रहा है अभी छोले के अंदर। और अब मैं 5 मिनट के लिए गैस चला दूंगी
सिर्फ 5 मिनट के लिए, और मैं इससे ज़्यादा इसमें ना ही ग्रेवी करूँगी और ना ज़्यादा डार्क करूँगी इसको भी। और इसमें ऐड किया हमने धनिया, लास्ट में डालेंगे आप सब्जी बनाने के बाद धनिया। और ये देखिए अब हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं, ये देखो। वाह, खुशबू आ रही बहुत। हाँ, और ये आपको टेस्ट भी बनाए जाएंगे, आप जल्दी जल्दी हमारे घर आओ और बढ़िया सा खाना खाओ। मैं कुकर को बिल्कुल बंद करके रख दूंगी ताकि इसकी भाप ना उड़े और ये भाप में और भी ज़्यादा कलर आए इसमें अच्छे से। और ये हमारे छोले तैयार हैं, अभी हम छोले टेस्ट करके देखेंगे कैसे बनेंगे। वाह, बहुत अच्छे हैं, आप सब भी आओ, मोस्ट वेलकम, आप भी मेरे घर आके छोले खाएं।